की बात है, लाहौर की। 1928 की बात है, अक्टूबर की बात है। कद की बात है, अक्टूबर की, 1928 की बात। हुआ क्या, ये सातों जो व्यक्ति थे, ये सातों व्यक्ति लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरे। ध्यान से सुनो, कहाँ उतरे? लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरे। ठीक है, अब सुनो, यहां पर आपने एक नाम सुना होगा, सांड्रस और स्कॉट। सांड्रस नाम किस किस ने सुना है? आप सुनो, ये नाम आप में से सुना है, लॉर्ड लॉर्ड कैड मन को नहीं करे, खतर कौन लगा हुआ? ठीक है, इसे बेकार आदमी आ गया, बिल्कुल लगा रहा। ठीक है, हाँ सांड कह लियो। ठीक है, अब देखो कि इस व्यक्ति की ड्यूटी लगी हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर आकर कोई भी उत्पाद मचाए तो आप उसको पीछे हटाओ, खदेड़ो, लाठी चार्ज तक कर सकते हो, और अगर इमरजेंसी बढ़े तो गोली भी चला सकते हो। ऑर्डर बन दिया था, वो एक पुलिस अधिकारी था, ध्यान है, इनकी ड्यूटी लगी। अब हुआ क्या सर? अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, लाला लाजपत राय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, किसान काफी ज्यादा संख्या के अंदर यहां जमा हुए, उन्होंने नारे लगाए साइमन गो बैक, यानी कि साइमन भारत से वापस जाओ। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो भी अंग्रेज आ रहे थे वो अंग्रेजों की सहायता लेते थे, ये अंग्रेजों ये भारत में सुधार करने के लिए आए थे। आप बताओ, भारतीयों का सुधार भारत वाले ज्यादा करेंगे या अंग्रेज ज्यादा करेंगे? भारतीय करेंगे। अंग्रेज सुधार कर सकते हैं क्या? हम लगे हैं कि अंग्रेज सुधार करते हैं। अब आप बताओ, इन्होंने वापस, हाँ बुलेट वाले, हाँ अब इन्होंने वापस नहीं सुना सर, ओके दोबारा सुनो, इन्होंने वापस जाने के नारे लगाए। ठीक है सूर्य, समझ में आ रहा है? इन्होंने वापस जाने के नारे लगाए लाला लाजपत राय ने, सबसे अग्रिम पंक्ति में, और भगत सिंह इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, समझ गया आप? लेकिन भगत सिंह और युवा क्रांतिकारियों को यह कहा गया था कि आप अग्रिम पंक्ति में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है ये गरम दल वाले थे, थोड़ी सी लाठी चार्ज होती तो धाम ध्यान है, भगत सिंह और गोलियां निकाल लेता मिनट में, के लाठी मारेगा, मैं गोलियां देवांगा ने, गोलियां किसी बादाम वाली गोलियां को नहीं, कर दे सोचो कि टॉफियां देवेगा, हाँ सीधी गोलियां क्या दीवान है, समझ गया थे? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अपने को इस तरह का विरोध नहीं करना। अब हुआ क्या कि जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर ये सातों व्यक्ति आए, आकर ये हुए यहाँ पे सातों व्यक्ति, और क्या हुआ कि यहां पर लाला लाजपत राय खड़े और सांड्रस ने ऑर्डर दिया कि लाला लाजपत राय को घेर लो और इनके इतनी लाठियां मारो, इतनी लाठियां बरसाओ कि इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए। हाँ, ये ऑर्डर किसने दे दिया? सांड्रस। अब भीड़ बहुत थी, भीड़ को तितर बितर करने के लिए 400-500 गैल छोड़ दिया ताकि किन दिखाई ना देवे जल्दी से, और इस भीड़ का फायदा उठाकर चार घुड़सवार आगे की ओर बढ़े और उन्होंने लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां मारी। ये सारा सीन भगत सिंह कुछ दूरी से देख रहे थे, और भगत सिंह वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, मान लो अठे खड़े और वो परली दीवार के कने वो कान ढोने लाग रहे, मान लो इतनी दूर पर, अब वो कोशिश बहुत करने लाग रहे कि मैं जल्दी से लाला लाजपत राय के पास पहुंच जाऊं, पर इतनी भीड़ हो गए, 10-15 हजार आदमी खड़े हो तो इतनी दूरी पर जाना ही मुश्किल हो जाए आदमी, और आगे धन ध्यान है आंसू गैस छोड़ दे, घोड़ा छोड़ दे तो यानी कि बींग अंदर दिखे को नहीं, धुंधलोपन हो जाए आदमी, समझ गया? लेकिन फिर भी लाला लाजपत राय को इतनी भीड़ के अंदर भगत सिंह अपने कंधे पर उठाते हैं और वहां से खींच के ले जाते हैं। देखो कितनी हिम्मत है बंदे के, इतनी भीड़ के ऊपर अंदर ले गए बच्चे, और वहां पर उनको सेफ जगह पर ले जाते हैं, लेकिन तब तक उनके बहुत सारी लाठियां लग चुकी होती हैं, खून का प्रवाह रुक नहीं हो रही होती। तब भगत सिंह को इस बात पे बहुत क्रोध आता है और वो लाला लाजपत राय से कहता है
कि अगर आपने मुझे ये ना कहा होता कि आप गोलिये नहीं चलाओगे तो वरना जब तक मैं वो चार घुड़सवारों ने तो खिला दी होते तो एक मिनट में, क्योंकि चार गोली मार तो मांगे अभी चार तो लिट जाता होता। लेकिन आपने ऐसा ऑर्डर दिया इसलिए मैं उस भीड़ में मैंने यही सोचा कि मैं आपको किसी तरह से बचा के नहीं। तब लाला लाजपत राय ने क्या कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जो पेपरों में इतनी बार पूछी गई है कि लोगों को याद हो गई। लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि मुझ पर जो लाठी चार्ज हुआ है ना, इसका आदेश जो दिया है लाहौर में, उन्होंने एक बात कही, मेरे ऊपर जो लाठियां बरसाई गई, मेरे ऊपर ब्रिटिश राज द्वारा जो लाठियां बरसाई गई हैं, वही एक दिन ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी कील साबित होंगी। उनकी सब पेटी के लिए, सब पेटी का मतलब होता है ताबूत, ताबूत की आखिरी कील होऊंगा मैं। अब इस इतनी गहराई वाली बात की है, मतलब क्या है? देखो आपको पता है जब अंग्रेज मरते हैं तो अंग्रेजों को एक ताबूत के अंदर लेके पता है ये किस किस को पता है, ये अंग्रेज मरा हुआ है सैंडर्स मान लो, और इसको ताबूत में लेकर जाएंगे तो ताबूत के अंदर लेके जाते हैं और इस ताबूत के ऊपर कीले ठोक देते हैं ताकि वापस उठ ना जाए, समझ गया, कीला ठोक पैक कर दे और फिर बिना जाके जमीन के नीचे दफना, ये किस किस को पता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखो कितनी गहराई वाली बात की है लाला लाजपत राय ने कि जब ब्रिटिश साम्राज्य खत्म होगा, ब्रिटिश साम्राज्य खत्म होगा तो उसकी जो ताबूत की आखिरी कील है वो मैं हूंगा। क्यों हूंगा? क्योंकि ये जो लाठियां मेरे सिर पर पड़ी हैं अब मेरी डेथ होगी, क्योंकि उनको पता था अब मैं जाऊंगा, दो तीन दिन बाद चले गए थे वो, और हाँ 30 अक्टूबर को चले जाएंगे। और उसके बाद आपको पता है भगत सिंह उसी समय इनके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा लेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर सैंडर्स को गोली मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूं। तो चंद्रशेखर आजाद खड़े थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, और भी कई क्रांतिकारी इनके साथ थे वहां पे, बटुकेश्वर दत्त और कई आबट है, वे सारा खड़े बेका हम भी तुम्हारे साथ। अब मतलब सैंडर्स की तो हाल आ गई है, लागी के कोनी आ गया, हाँ। अब इन्होंने क्या किया कि बटुकेश्वर दत्त की ड्यूटी लगा दी कि तेरे को क्या करना है, सैंडर्स कितने बजे खाना खाने निकलता है, कितने बजे सुबह ऑफिस में आता है, कितने बजे शाम को जाता है, कौन सा इसका बुलेट है, बुलेट पर जाया कर तो पूरा ध्यान रखना है, पूरी जानकारी निकाल के ले जा। अब वो जाके पूरी जानकारी निकाल के ले आयो कि वो सुबह 5 बजे ऑफिस आवे, 10 बजे पुट्ठो जावे, 2 बजे दोपहर ने लंच टाइम में भाग जाए, 1 घंटो विश्राम करे, बस उस समय इसके साथ जब ये दोपहर को जाता है ना उस समय अकेला जाता है। तो भगत सिंह ने कहा जब ये अपने ऑफिस से बाहर निकलकर बुलेट पर बैठेगा उसी समय मैं इसको गोली मारूंगा, वो आपके मन में सेट कर लिया बी टाइम ही मारूंगा, लेकिन मारूंगा कहां पे, मारूंगा पुलिस स्टेशन के अंदर, 12 को नहीं मारूंगा। चंद्रशेखर आजाद के आपा ने 12 मार दिया तो रिस्क थोड़ा कम है, ओके आपा पूरा रिस्क लेवांगा, आपा शेर की तरह घुस गया तो इनका घर के अंदर मारूंगा भी। कैसा, क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों को सीधी सीधी चेतावनी होनी चाहिए कि अगर आप लाठी ऐसे बरसा सकते हो तो हम तुम्हारे को घर के अंदर घुस के मारेंगे। तो शेर को कले तो चाहिए, इतना पुलिस वाला सामने खड़े अंदर घुस के मारेगा कि बात यहाँ आराम करके, वो कह नहीं वही मारेंगे पक्की बात, वो डन है, इसको शेर जैसे कलेजो तो भी नहीं होवे, ये कौन ही है कि यहीं मार दियो क्या घुस के मारांगा, चलो जी। अब सारी रणनीति तैयार कर दी, सारो जाल बिछा दियो, तो चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ के पीछे छुप कर खड़े थे कि अगर कोई अंग्रेज भाई चांस आगू पीछो कट गोली मारने की कोशिश करेगा तो आपा पीछो आपा लिटा दिया, टेंशन की कोई बात बनी, यानी कि पीछे रिकवरी करने वास्ते एक बंदो खड़ी है कि तू टेंशन ना ली, तू घुस के मार अंदर, मैं खड़े हूं पीछे। और आपको पता है चंद्रशेखर आजाद का निशाना इतना पक्का था कि थे हवा के अंदर 25 पैसा उछाल दियो बेंगे अंदर बंदूक की गोली को निशानों काट देते हो, इतना खतरनाक निशानों चंद्रशेखर आजाद। तो आज सारी रणनीति बिछा दी गई, बटुकेश्वर दत्त ने क्यों कि मान लो रुमाल है वाइट रंगो, जैसे ही सैंडर्स अपने ऑफिस से बाहर निकले तू यहां करके रुमाल हिला दी के आगे,
मैं समझ जी आगे और मैं जाके बिना एकदम आगे जाके गोली। अब हो कि सांटर साहब ने मोटरसाइकिल बैठे राजदूत स्टार्ट करी, लेकिन उस दिन किस्मत की बात है, स्कॉट ने सांड्रस से मोटरसाइकिल मांगी कि बायडा आज आज तू रोटी हटे खा ले, मन दे दे मैं जा गया मेरे जरूरी फंसे। तो सांड्रस के ओके ठीक है तू चले जा। अब किया स्कॉट मोटरसाइकिल पर बैठ गया, बी टाइम ही निकले जी टाइम सांड्रस जाया गया। अब कुदरती चेंज हो गयो, अब जी स्कॉट मोटरसाइकिल पर आयो ना तो भगत सिंह ने दो बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों को ज्यादा ठाक होनी पड़ती, एक जी सही है वैसा लागता भी नहीं, वो आपने निशानी कर रहा कि क्या ई टाइम निकला मोटरसाइकिल को कलर है ना वो पक्को करेड़ो की वो मोटरसाइकिल सांड्रस को है, तो वो क्या करे आ गयो वो यहाँ गिर दियो क्या आ गयो। अब हो के स्कॉट मोटरसाइकिल पर आने लग रही चंद अपने के नाम है भगत सिंह पिस्तौल ले गए और बिल्कुल स्पोर्ट गए एकदम आगे आ गए। जी स्पोर्ट के आगे आयो तो वो देखियो वो बटुकेश्वर दत्त ने क्यों वो तो स्पोर्ट है सांडर तय को नहीं, तो पीछे से चंद्रशेखर आजाद बोला गोली मार, पिस्तौल लेके खड़े गोली मार बटा बटा जिको भी है मार दे अब इलाज पड़ी कोई। तो जल्दबाजी में क्योंकि स्पोर्ट भी वहां पर लाठी चार्ज में था शामिल था, लेकिन उसको गोली मारी, लेकिन भगत सिंह के मन में तसल्ली नहीं हुई क्योंकि मारना तो किसको था और मार किसको रहा है। लेकिन ये रियल बात मैंने आपको बताई है, लेकिन उस समय अखबारों में यही छपा कि सांड्रस को मार दिया गया। हाँ पर्चे भी छपवाए थे और वो पर्चे जगह जगह फेंक दिए थे जिसके अंदर भगत सिंह ने अंग्रेजी में सांड्रस लिखा हुआ था उस सांड्रस को नाम को काट दिया था, उस सांड्रस नाम को काटा था और वहां लिखा था कि स्पोर्ट को मारा। तो उन्होंने कहा कि आपके पर्चे में ये कहते अपने पर्चे फेंकेंगे सांड्रस मारा गया, वो कहेंगे सांड्रस जिंदा है ये झूठी बात है। तो अटा उन्होंने उस नाम को काटा और उसकी जगह पे हाथ से लिख लिख के जल्दी जल्दी पांच छह पर्चों पर स्पोर्ट 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 और बिखेर दिया। इतना में पुलिस वाला भी पकड़ने आ गया और पकड़ने आए तो चंद्रशेखर आजाद एकदम अंतरित हुए और पांच छह अंग्रेजों ने बैठे सुला दिए ले होते तो आज नेड़े लगाओ हाथ की, तो पांच सात ने और रगड़ दियो सागे। अब बटुकेश्वर दत्त ने बहुत बाहर जाके पूछो अरे तुम दिखो कोरी के डगो कह यार वो मोटरसाइकिल है ना वो निशानी करेड़ी ले क्या वो इतना बजे टप के आवे आपा निशानी बुलेट की करेड़ी वो अब बने के पतो वो आ जाएगो मैंने बन को ठा पड़ा भी मेरे वो अंग्रेज एक बार लगा गया यार मरा दिए यार आपा मारन किने और ने क्या मार किने और ने दिए। लेकिन इसके कारण अंग्रेजों के दिल में भय बैठ, अंग्रेज घबराने लग गया कि अगर हमने सही काम नहीं किया ना तो भगत सिंह आ जाएगा और स्टेशन के अंदर बढ़ के गोली मारेगा। इतना ज्यादा अंग्रेज घबराने लग गया, सोच के देखो कलेजो चाहिए यहाँ तो यहाँ मिट्टी वाला शेर कौन कर सकेगा, ओरिजिनल शेर को कलेजो चाहिए कि पुलिस स्टेशन के अंदर जागे और एसपी के गोली ठोक दिया। छोटी बात है कि थे बता दो पुलिस स्टेशन के अंदर बिंग एसपी के ऑफिस के अंदर गोली ठोक दिया जाएगा, सोचो थे है कि बड़ी कलेजो चाहिए कि कौन और वो भी अंग्रेजों के राज में खतरनाक कार्य। तो ऐसा किसने किया भगत सिंह ने, इसीलिए आज भी बच्चा बच्चा भगत सिंह को याद करते हैं। हाँ स्पोर्ट वो बच गया था सांड्रस उसको फिर बाद में मारेंगे ये, लेकिन एक बार स्पोर्ट रगड़ा गया हम बाद में मारेंगे उसको भी मौका मिलती उसको भी चौका लगा देंगे। लेकिन थे बताओ कि एक कर तो आग लगा दी पूरे इंडिया के अंदर, युवा नेतृत्व तो यूं हो गया कि भगत सिंह बनना, बच्चे बच्चे में हो गया भगत सिंह बनना कि खौफ हो तो भगत सिंह जैसा हो कि अंग्रेज डरने लग गए थे, मतलब अंग्रेज घबराते थे कि पता नहीं भगत सिंह कब आएगा और गोली मार देगा। और इन्होंने ये जो रिपोर्ट दी थी ना, ये जो रिपोर्ट साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी एकदम बढ़िया रिपोर्ट बना के दी, पूरी भारतीयों के हक में थी, क्योंकि उस पर्चों में लिखा हुआ था अगर साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सही नहीं दी तो अगला नंबर उनका है, अभी केवल सांड्रस मारा गया है अगला नंबर उनका है। देखो भाईड़ा आप अगला नंबर है आपका इंग्लैंड जाना जल्दी जल्दी रिपोर्ट बना के चलो एक गाड़ी चढ़ा दे गाड़ी अगर है पत्नी बेटा सारा बच्चा इंतजार कर सकता है वो आएंगे कोई गोलियां से साइबर सुबह सीखने ठिका दे ये बढ़िया रिपोर्ट बना के और देख लो पकड़े और नहीं गए उस समय, कितनी बड़ी बात है छोटी बात नहीं है कैसे नो, इसीलिए हम भगत सिंह की बातें करते हैं कि नहीं है। और आपको पता ही है महात्मा गांधी ने क्या कहा था,
कि ये क्रांतिकारी नहीं है, ये उग्रवादी है। पता है आपको, किस किस को पता है ये बात? इसीलिए आज भी भगत सिंह का शहीदों की नाम में लिस्ट में नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लो, क्या भगत सिंह को लिस्ट की जरूरत है क्या? वो हमारे दिल में रहते हैं कि हाँ यार खतरनाक आदमी, सही किया। अब आप बताओ उसने सांडर्स या स्कॉट किसी को भी मारा, सही किया कि नहीं किया, है कि नहीं? तो हमारी आत्मा जब सही बोल रही है, हमें किसी की जरूरत थोड़ी है पूछने की कि सही किया कि गलत। सही किया हम तो, अगर हम भी उनकी जगह हो तो सही करें, लेकिन पक्षी करें आज भी अगर भगत सिंह हो तो हम कहें यार सही किया तो। खतरनाक है। ऐसी भगत सिंह की बहुत सारी कहानियां, मैंने तो सिर्फ आपको एक कहानी सुनाई। अगर आप पूरी भगत सिंह की सारी कहानियां पढ़ोगे तो आप कहोगे वास्तव। और कोई क्रांति वो किसी और के लिए नहीं कर रहा था, अपने लिए कोई क्रांति नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि आने वाली जो मेरी देश के युवा है उन सबको आजाद भारत देखने को, है कि नहीं है? ये थे भगत सिंह, इसीलिए उनको सलूट बढ़ता है कि वास्तव में भगत सिंह भगत सिंह है। ठीक है भाई, ओके। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। अब साइमन कमीशन की जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको कल लिखवा दूंगा। साइमन कमीशन समझ में आया तो बोलो हाँ, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, आप बताओ, आप क्या पॉलिटिकल में कहानी नहीं है क्या? तो कहानी को जोड़ना पड़ता है और आपको सारी बातें याद होंगी। लाला लाजपत राय ने क्या डायलॉग मारा, वो डायलॉग भी लिखवाऊंगा आपको। और वैसे आप नहीं बोलोगे, ताबूत की आखिरी कील है वो, इतना आपको याद रहेगा तो लाला लाजपत याद रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ओके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।